Hey my beautiful people, welcome back to my channel. I'm Shree. Hope that you guys are doing really very good. So in this video, I'm gonna share with you this look right here. As you can see, this look is so wearable, so soft, easy, wearable and very realistic makeup look. मैंने ये look create करा है for any summer पार्टी और फंक्शन के लिए. अगर आप लाइट वेट मेकअप लुक चाहते हो दैट टू बी स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ देन दिस लुक इज़ परफेक्ट. एंड ये बिल्कुल भी हैवी मेकअप नहीं है एंड मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ इसे क्रिएट करा है. सो इफ़ यू नो हाउ आई क्रिएटेड दिस देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेकअप करने से पहले अच्छे से अपनी स्किन केयर कर ले. और समर में मेकअप करने से पहले अच्छे से अपनी फेस पे स्किन केयर करने से पहले आइस क्यूब को मसाज कर लीजिए. आइस क्यूब लेकर वो स्वेटिंग को कंट्रोल करता है एंड फेस को, हमारे जो पोर्स होते हैं फेस पे, उन्हें श्रिंक कर लेता है. सो मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड बिल्कुल भी स्वेट नहीं होता है. स्वेट होता भी है तो उतना नहीं होता है. सो उसके बाद मैंने अप्लाई करा है NYBAE का मेकअप प्राइमर, विच इज़ पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर एंड स्किन को बहुत ही स्मूथ कर देता है. मेकअप को काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखता है, लॉन्ग लास्टिंग करता है. सो देन फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है माई गो टू फाउंडेशन एंड दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड द सेम टाइम दिस इज़ सो लाइट वेट फाउंडेशन एंड ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है. एक्चुअली ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है. सो मैंने लिया था मेबलिन का ये फिट मी ट्यू फाउंडेशन इन द शेड नेचुरल बफ 230. मैंने उसके ऊपर अप्लाई करा है ये NYBAE का ग्लिटर फिक्सिंग स्प्रे. इससे क्या होगा, हमारा जो फाउंडेशन है वो हमारी स्किन के साथ एकदम मर्ज हो जाएगा, बिल्कुल भी केक की पैची नहीं लगेगा. एंड मैंने यहाँ पे बहुत ही लो क्वांटिटी का फाउंडेशन लिया है, आपने देखा, एंड उसी को मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से स्प्रेड कर रही हूँ वेरी वेल एंड अच्छे से मैं स्प्रेड करके अप्लाई कर रही हूँ. सो कम क्वांटिटी हम इसलिए लेते हैं, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे देन वो स्वेटिंग जब होगा वो बहुत ही और दिखेगा, केक की लगेगा, पैच लगेगा. जब हम कम क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स लेते हैं ना, वो इवनली स्प्रेड हो जाता है एंड हमारी स्किन के साथ अच्छे से मर्ज हो जाता है, जिससे हमारी मेकअप बिल्कुल भी केक की पैच नहीं होता है एंड थ्रू द टाइम बहुत ही स्मूथ दिखता है. एंड ये फाउंडेशन लगाने से हमारी स्किन बहुत ही स्मूथ दिखती है क्योंकि पोर्स को काफ़ी हद तक भी श्रिंक कर देता है, मतलब पोर्स इतना विजिबल नहीं होता है इस फाउंडेशन के साथ. सो एज यू कैन सी, यहाँ पर मैंने कोई भी कंसीलर अप्लाई नहीं करा था क्योंकि मैंने इस मेकअप लुक को बहुत ही लाइट वेट रखा है, दैट्स व्हाई. एंड मेरी उतनी पिगमेंटेशन नहीं है, डार्क सर्कल्स नहीं है कि मुझे ज़रूरत है, हाईली ज़रूरत है. तो मैंने क्या करा है, लैक्मे का 925 कॉम्पैक्ट लिया है, उसी से मैंने लाइटली अपनी आईलिड को सेट करा है एंड ये कॉम्पैक्ट सियर कवरेज देता है. सो मैंने अच्छे से आईलिड को सेट करा है, अपने अंडर आई एरिया को सेट करा है एंड पूरी फेस को, नेक को अच्छे से सेट करा है. फाउंडेशन लॉक हो गया. सो देन मैं बाकी बेस मेकअप करूँगी लाइक ब्रॉन्जर एंड ब्लश, हाइलाइटर. सो उसके लिए अगर आप एक अफोर्डेबल पैलेट चाहते हो ना, देन ये पर्पल का न्यूली लॉन्च फेस पैलेट बहुत ही अच्छा है. अगर आप अलग से ब्रॉन्जर, ब्लश एंड हाइलाइटर लोगे देन वो इक्वल प्राइस में आपको आ जाएगा जितना ये है, बट ये आपको हमेशा ऑफर प्राइस में ही मिलेगा पर्पल पे. सो मैंने ब्रॉन्जर लेकर अपनी थोड़ा सा चिक्स पे अप्लाई करा है, जॉ लाइन पे नोज़ को कॉन्टोर करा है, अपनी फोरहेड को, एंड बहुत ही लाइटली मैंने लिया है, उतना ओवर नहीं. एंड आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हुआ ही नहीं है, बट स्टिल यू कैन क्लियरली सी दैट ब्रॉन्जी लुक. सो देन मैंने इसी पैलेट से ब्लश लिया है एंड ये पैलेट ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड ये सिमिलर है शुगर फेस पैलेट से. सो दिस इज़ सो गुड फॉर बिगनर. सो ब्लश लेकर मैंने अपनी अपल ऑफ द चिक्स पर अप्लाई करा है एंड मैंने फुलर लुक के लिए पूरी चिक्स को भर दिया है ब्लश से. अगर आप एक चाहते हो, एक सॉफ्ट लुक चाहते हो, देन आप थोड़ा सा ब्लश अप्लाई कर लो, तो ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एज आई सेड. सो अगर आप ओवर ब्लश ले भी लेते हो ना, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे डैब डैब करके ब्लेंड करो, वो एक्सेस रिमूव हो जाएगा एंड आपको एक फ्लशी सा लुक मिलेगा.
सो देन यहाँ पर हाइलाइटर मैंने अप्लाई करा है, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने अप्लाई करा है. यूजुअली मैं जितना अप्लाई करती हूँ उतना नहीं. सो मैंने अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करा है एंड चिक्स को, चिक बोन को, और चिक बोन की मैंने ना थोड़ा सा ऊपर उसे करा है, और चिक बोन से थोड़ा सा ऊपर मैंने उसे हाईलाइट करा है, क्योंकि हमारे जो टेक्सचर होते हैं फेस के वो हाईली विजिबल हो जाते हैं. ठीक है, दस गाय. सो नोज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, क्यूपिड बो पे एंड चिन पे, फोरहेड पे. एंड आप देख सकते हो बिल्कुल भी नो मेकअप मेकअप लुक ये लग रहा है अभी तक. सो अगेन मैं वही फिक्सिंग स्प्रे को अप्लाई करूँगी फॉर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक. जितना भी पाउडर प्रोडक्ट हमने अप्लाई करा है ना, ये उसे मेल्ट कर देगा फाउंडेशन के साथ, बेस मेकअप के साथ ये उसे मर्ज कर लेगा. सो यहाँ पर मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ अगेन विद द डैम ब्यूटी ब्लेंडर. ओके, सो अभी आप देख सकते हो क्लियरली वो नो मेकअप मेकअप लुक है, बिल्कुल भी हैवी वेस्ट नहीं है. आप मेरी स्किन पे अभी भी थोड़े से पिगमेंटेशन को, लाइक मेरी जो डार्क स्पॉट्स है आंखने की वजह से, उसे आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने फाउंडेशन बहुत ही कम क्वांटिटी का लिया था. दस वाय ये फाउंडेशन ना सीओ टू मीडियम कवरेज देता है. दस वाय अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, देन आप कोई हाई कवरेज फाउंडेशन भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन. सो देन यहाँ पर मैं आई मेकअप कर रही हूँ. आई मेकअप मैंने लास्ट को रखा है क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल क्विक. आप इसे 5 to 10 मिनट के अंदर कर सकते हो. सो पहले मैंने मिस क्लियर की वाटर प्रूफ आईब्रो पेंसिल से इन द शेड मीडियम ब्राउन, उसी से मेरी आईब्रोज को फील करा है स्ट्रोक्स के हिसाब से, लाइटली मैंने फील करा है. देन मैंने लिया है माई ऑल टाइम फेवरेट नायका, ऑल द नायका डे ड्रीमिंग आई शेडो पैलेट, 10-in-1 आई शेडो पैलेट. उसमें से लेकर मैं ये डीप ब्राउन शेड को, पिंकिश ब्राउन शेड को लेकर ऑल ओवर द लिड पे एंड क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड करा है लाइक दिस. एंड देन मैंने लिया है ब्लू हेवन का ये 24-hour स्टे काजल. इसे लेकर मैंने अपर इनर कॉर्नर से वाटर लाइन पर थोड़ा सा अप्लाई करा है एंड देन एक बेसिक सा लाइनर मैंने क्रिएट करा है अपर में. देन ये पिंक शेड लेकर एक स्मॉल ब्रश के हेल्प से मैंने उसे स्मर्श करा है. मैं विंग नहीं निकालूंगी, बस उसे स्मर्श करूंगी ताकि एक लाइटली स्मोकी लुक आए लाइक दिस. देन मैंने वही काजल लिया है एंड उसे मैंने अपनी लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई करा है, बट हाफ तक मैंने अप्लाई करा है, पूरा मैंने अप्लाई नहीं करा है. सो देन मैंने वही पिंकिश ब्राउन शेड को लेकर काजल को स्मर्श करा है वेरी क्लोज टू लास्ट लाइन. एंड देन मैंने वही फ्लपी ब्रश लिया है एंड उसे लेकर थोड़ा सा स्मर्श कर लिया है अंडर आई एरिया पे. देन मैंने ये वाला शेड लिया है ब्राउनजी सिमरी शेड, इसे लेकर मैं अपनी मिडल आई पे ऐसे अप्लाई कर रही हूँ विथ माई फिंगर ओके लाइक दिस. एक थोड़ा सा लाइक स्मोकी शिमरी काइंड ऑफ आई लुक ये है एंड बिगनर्स के लिए बेस्ट है. सो मैंने देन हाईलाइटर लिया है, मैंने अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट करा है, बट फुल इनर कॉर्नर को नहीं, बस लोअर को मैंने हाईलाइट करा है. उसे एक अलग सा लुक आता है, थोड़ा सा डिफरेंट. सो देन मैंने मस्कारा लिया है अगेन, दिस इज अ वाटरप्रूफ मस्कारा फ्रॉम मेबलिन, दिस इज मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा. सो इसी को लेकर मैं अच्छे से अपनी लैशेस को कोट कर रही हूँ, क्योंकि ये लाइट लुक है, बिगनर्स के लिए है. सो मैं फॉल्स ही अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन गो फॉर दैट. सो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड एज यू कैन सी बहुत अच्छा है लेंस, सॉरी लैशेस को वॉल्यूम दे देता है. देन यहाँ पे मैं एक लिप शेड क्रिएट करूँगी यूजिंग दिस बोथ. मैंने लिया है पर्पल का ये मिनी लिक्विड मैट लिपस्टिक, दिस इज़ काइंड ऑफ पिंक न्यूड शेड एंड इसके ऊपर मैं टॉप करूँगी ये NYBAE का लिप ग्लॉस. इन दोनों का शेड आपको स्क्रीन पे दिख गया है. सो इन दोनों को मिक्स करके मैं एक ग्लॉसी पिंक काइंड ऑफ शेड में क्रिएट करूँगी लाइक दिस एंड हियर इज़ द कम्प्लीट लुक.
मैंने इस लुक को कंप्लीट करा है विथ माय साड़ी, विथ माय सिंपल मंगलसूत्र एंड हेवी सिल्वर झुमका लाइक दिस एंड बिंदी। मुझे ये लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये लाइट वेट है और रियलास्टिक है, वियरेबल है और आप इसे लॉन्ग टाइम तक भी वियर कर सकते हो, कोई झंझट नहीं होगा। एज आई से दिस इज स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ मेकअप, सो समर के लिए बेस्ट है। तो मैंने ये सिंपल सा लुक क्रिएट करा है फॉर माय बिगनर्स फ्रेंड। आई होप आप सबको पसंद आया है। अगर पसंद आया है देन प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वन ऑल्सो। सी यू सून, बाय।